कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए कि आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी हिन्दुस्तान में मानवता चंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं, या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही मोहल्ले द्वारा, कर्णा द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुम लेकर जनता के बीच में चला गया। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा प्रकाश करा के घर भेज दूंगा, मैं डीजीपी का पीएस बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के बंदन निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर